الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة الله مع الصابرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد بارك وسلم وسلم اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ایک ایسا قانون ذکر فرمایا ہے جس قانون کے ذریعے ہر کلمہ پڑھنے والا شخص چاہے مرد ہو یا عورت اس کا ایمان اللہ کے اس قانون کے مطابق مکمل بھی ہو سکتا ہے اور دونوں جہانوں کی کامیابی بھی مل سکتی ہے۔ اس امت کے لیے اللہ نے قرآن مقدس میں ایسے کئی قوانین اور ضابطے بیان فرمائے ہیں، مگر قرآن مقدس کے ان قوانین اور ضابطوں کا اس بندے کو علم ہوتا ہے جس کا تعلق اور رابطہ اللہ کے قرآن کے ساتھ جڑتا ہے۔ جس شخص کا تعلق اللہ کے پاک کلام قرآن مقدس کے ساتھ نہیں ہے، اس بندے کو کوئی علم نہیں کہ قرآن مقدس کا کون سا قانون اللہ نے کیوں بیان فرمایا اور کون سے ایسے راز اور ترقی کا راز قرآن میں اندر اللہ نے موجود رکھا ہے۔ معلوم ہوا اللہ کے نزدیک سب سے بڑا قانون جس کے ذریعے ہر مسلمان مرد و عورت کو ترقی نصیب ہوتی ہے، وہ اللہ نے ایک ہی قانون بیان فرمایا ہے قرآن مقدس میں۔ مسلمان بندہ اس پہ عمل کرتا جائے، اس پہ چلتا جائے، اللہ نے اس بندے کو دونوں جہانوں کی کامیابی نصیب فرما دینی۔ اللہ نے قانون بڑے آسان بیان فرمائے، پچھلی امتوں کے لیے بڑے سخت قانون تھے، سابقہ قوموں کے لیے، امتوں کے لیے، مگر اس امت کو اللہ نے شریعت بھی آسان فرمائی، پیغمبر عطا فرمایا، وہ بھی سارے نبیوں کا سردار پیغمبر، اور جو شریعت اور اسلام اللہ نے نصیب فرمایا وہ بھی پچھلی ساری شریعتوں کی سردار شریعت ہے، مگر اس آخری امت کے لیے اللہ نے بڑے بڑے آسان آسان قانون بیان فرمائے، کوئی مشکل یا کوئی مشقت نہیں کرنی پڑتی۔ صرف یہی ہوتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میرے ساتھ تعلق اپنا جو ہے نا وہ مضبوط کر لے،
और सारे जहान से ताल्लुक टूट जाए, राबता मुनकते हो जाए, मगर इंसान मेरे पैगंबर का उम्मती ख्याल करना, मैं रब से कभी ताल्लुक और राबता कभी ना तोड़ना, सारे जहान से ताल्लुक टूट जाए तो खैर सल्ला है, मगर मैं अल्लाह से जब राबता और ताल्लुक तेरा टूट गया तो फिर ऐसा समझ के तू भी जिंदगी से टूट गया। बस मेरे साथ तेरा राबता और ताल्लुक बाकी रह जाए ऐसा समझ के तेरे लिए मैं अल्लाह ने इस्लाम और शरीयत के सारे कानून आसान बना दिए। इसलिए अल्लाह करीम ने कुरान मुकद्दस में ऐलान करके फरमा दिया है, वस्तईनु बिस सब्र वस्सलाम व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशईन। अल्लाह करीम फरमाते हैं वस्तईनु बिस सब्र वस्सला, ओ ईमानदारो मुसलमानो मैं अल्लाह तुम्हें हुक्म दे रहा हूं, वस्तईनु अगर तुम्हें इमदाद की जरूरत पड़ जाए, अगर तुम्हें मदद की जरूरतें पड़ जाएं जिंदगी के किसी मोड़ के अंदर, आखिर अल्लाह से मदद मांगना भी तो इंसान की जिंदगी के अंदर जरूरी है, इमदाद की जरूरतें पड़ जाएं, मदद की जरूरत पड़ जाए, अल्लाह करीम फरमाते हैं उसके लिए मैं अल्लाह तुम्हें हथियार बतला रहा हूं, वो हथियार इस्तेमाल करना तुम्हारा काम है, बिन मंगे मैं अल्लाह तुम्हारी इमदाद नसीब फरमा दूंगा। मांगना नहीं पड़ेगा, बिन मांगे इमदाद फरमा दूंगा, मगर उस हथियार पे अमल करना है जो हथियार अल्लाह ने बतलाया है। वस्तईनु बिस्सब्र वस्सला, अल्लाह फरमाते हैं इमदाद अल्लाह की मदद जिस दर्जे के अंदर तुम्हें जरूरत पड़ जाए, जरूरत के दर्जे में इमदाद की जरूरत है, वजारत की इमदाद, ऐलान की इमदाद, जरूरतों की इमदाद, बेटे और बेटियों की इमदाद, इज्जत की इमदाद, खाने और पीने की इमदाद, मुश्किलों के अंदर पड़ गया है मुश्किलों से निकालने की इमदाद, तेरी आवाजों को सुन के कबूल करने की इमदाद, पत्थरों पहाड़ों के अंदर, पानी के भंवर और चक्कर के अंदर, दरियाओं की मौजों के अंदर तू फंस गया है वहां पर तुझे निकालने की इमदाद, किसी मोड़ के अंदर, किसी परेशानी के अंदर, किसी मुश्किल के अंदर तू फंस गया है वहां पर तेरी इमदाद करने की जरूरत पड़ गई है। अल्लाह करीम फरमाते हैं उसका एक हथियार मैं अल्लाह बतला रहा हूं, कौन सा? अल्लाह फरमाते हैं बेसब्र वसलात, एक काम करना है, हौसला तुमने नहीं छोड़ना, इमदाद में अल्लाह की कभी नहीं छोटे। बिसबर मदद तलब करो सबर के साथ और नमाज के साथ, लेकिन सबर का मुरादी माना हौसला करना। क्या माना है सबर? अपने आप को जरा झाल के रखना, यही होता है ना, अपने आप को हौसले के अंदर रखना, इसी का नाम सबर शरीयत ने बतलाया। अब अल्लाह ने कुरान पाक में खुद बतलाना है कि हौसला क्या चीज होती है, ये तो अल्लाह ने हथियार बतला दिया है, कानून बतला दिया है कि अगर इमदाद की जरूरत तुम्हें है
और जिस दर्जे में रब की मदद की जरूरत है, इमदाद की जरूरत है, उसके लिए शर्त यह है कि हौसला तुम ना छोड़ना, इमदाद मैं अल्लाह नहीं छोड़ूंगा तुम्हारी। क्या मतलब? यानी अपने आप को जरा महदूद करके रखना, झाल के रखना, जरा सब्र करके रखना, इसी दर्जे में अपने आप को तुम रखना, मैं अल्लाह तुम्हारी मदद करना कभी नहीं छोड़ूंगा। अल्लाह, ये बहुत बड़ा कानून और हथियार है हौसला। इसलिए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उजलतबाजी, जल्दबाजी ये शैतान की तरफ से होती है, जबकि तहम्मुल मिजाजी और हौसला बुर्दबारी ये रहमान की तरफ से होती है। उजलतबाजी में इंसान मारा जाता है, जो काम जल्दी में इंसान करेगा ना उसमें मारा जाएगा। जो तहम्मुल मिजाजी सब्र और तहम्मुल के साथ, बुर्दबारी के साथ, हिल्म के साथ इंसान कोई काम करेगा उसमें तरक्की भी होगी और अल्लाह की तरफ से बरकत भी होगी। इसलिए नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपने आप को हौसले के अंदर ढाल के रखो ताकि अल्लाह के इनामात भी तुम्हारे ऊपर नाजिल हों और अल्लाह की बरकतें भी तुम्हारे ऊपर नाजिल। इसलिए अल्लाह करीम ने ऐलान करके फरमा दिया है वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाम, हौसले के साथ अपने आप को जिंदगी गुजारना। हौसला तुम्हारे अंदर आ गया तो ऐसे समझो अल्लाह की रहमत भी आ गई, अल्लाह की बरकतें भी आ गई और रब का बताया हुआ ईमान कुरान वाला भी आ गया। मगर ख्याल करना, अपने आप को बेहौसला मत करना, जबकि जिंदगी के जिस मोड़ के अंदर शादियों गमियों दुखों सुखों मुसीबतों खुशियों हर मरहल्ले के अंदर अपने आप को हौसले के अंदर रखना। कभी बेहौसला मत होना, हौसले के अंदर रखना अपने आप को, तुम्हारा काम है। जितनी मदद की जरूरत पड़ गई, जितनी इमदाद की जरूरतें पड़ गई, मांगना तेरा काम है या मांगना भी सही, बिन मंगे मैं अल्लाह तेरी इमदाद करता रहूंगा। दूसरे सिपारे में अल्लाह करीम ने फिर ऐलान फरमा दिया, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या खास ईमानदारों से अल्लाह ने खिताब करके फरमाया है, ओ ईमानदारो इस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात, अपने आप को हौसले के अंदर रखना, तहम्मुल मिजाजी के अंदर रखना, सब्र के अंदर अपने आप को रखना। क्यों या अल्लाह, इनाम तेरी तरफ से क्या नसीब होगा मैं? अल्लाह करीम फरमाते हाँ हाँ, इनाम अल्लाह ये नसीब करूंगा कि इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन, अपने आप को सब्र के अंदर रखने वाला, हौसले के अंदर रखने वाला, तहम्मुल मिजाजी के अंदर रखने वाला इंसान अल्लाह को इतनी महबूब है। अल्लाह फरमाते हैं मअस्साबिरीन, हौसला करने वालों के साथ मैं अल्लाह होता हूं। उनके साथ हौसला करने वाले मेरे साथ कोई नहीं होता, क्योंकि मैं तो पाक हूं शरीकों से। मेरे साथ कोई नहीं हो सकता, मैं अल्लाह हर किसी के साथ। इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, हौसला करने वालों के साथ मैं अल्लाह होता हूँ। क्या मतलब? मेरी मदद उनके साथ होती है, मेरी इस्तेआनत उनके साथ होती है। इसलिए अल्लाह करीम फरमाते हैं हौसला इतना बड़ा हथियार और सबसे बड़ी चीज है कि मैं अल्लाह ने अपने इमामुल अंबिया पैगंबर को भी हुक्म फरमाया है, ए मेरे पाक पैगंबर, आपका शान भी बर्रक है, आपका
आपका मकाम भी बरहक है, आपकी अजमत भी बरहक है, आपका इमामुल अंबिया होना भी बरहक है, आपका इमामुल मुरसलीन होना भी बरहक है, आपका इमामुल मुसद्दकीन होना भी बरहक है, आपका फखरुल अंबिया होना भी बरहक है, आपका फखरुन नबीयीन होना भी बरहक है, आपका वज़्ज़ुहा के चेहरे वाला वल्लैल की जुल्फों वाला पैगंबर होना भी बरहक है, आपकी हर शान बरहक है, मगर मेरे पाक पैगंबर मैं अल्लाह आपको हुक्म दे रहा हूं फासबिर। क्या फरमाया? फासबिर फासबिर कमा सबर उलुल अज़्म मिनर रुसुल। अल्लाह करीम फरमाते मेरे पाक पैगंबर अपने आप को हौसले के अंदर रखें, फासबिर अपने आप को सबर के अंदर रखें, कैसे कमा सबर उलुल अज़्म मिनर रुसुल, जिस तरह मेरे बड़े बड़े रसूल पैगंबर बड़े बड़े उलुल अज़्म पैगंबर अपने आप को हौसले के अंदर रखते रहे हैं, सबर करते रहे हैं। ए मेरे पाक पैगंबर आखिर उन नबियों को तकलीफें पहुंची हैं, उनको कौमों ने सताया भी मौजूद है, तकलीफें भी दी हैं कौमों ने, मगर उन्होंने सबर किया है, जैसे मेरे उलुल आजम पैगंबरों ने अपने आप को हौसले के अंदर रखा है। मेरे पैगंबर आप तो इमाम अंबिया हैं, आप उनसे भी बढ़ के अपने आप को हौसले के अंदर रखें। फसबिर फसबिर कमा सबर उलुल आजम मिनर रुसुले, मेरे उलुल आजम पैगंबर उलुल आजम रसूल जैसे सबर करते गए ऐसे आप भी सबर करते जाएं, तरक्की आपको मैं अल्लाह नसीब फरमा दूंगा। 29वीं पारे के अंदर सूरह कलम के अंदर अल्लाह करीम ने फिर हुक्म फरमाया अपने पैगंबर को, अल्लाह फरमाते मेरे पाक पैगंबर फासबिर फासबिर ले हुक्म रब्बे का वला तकुन कसाहिबिल हूत। अल्लाह करीम फरमाते हैं देखो अल्लाह की इमदाद की ज़रूरत है, इस्तेआनत की ज़रूरत है, मदद की ज़रूरत है, तो हथियार हौसले वाला इस्तेमाल करना पड़ेगा। अल्लाह फरमाते हैं हर मामले के अंदर हौसला करके रहो, अपने आप को ज़रा सब्र और तहम्मुल मिजाजी के अंदर रख के रहो, फिर अल्लाह की मदद भी आएगी। मालूम होता है गैरुल्लाह से मदद मांगने वाला, कब्रों से मदद मांगने वाला, पीरों फकीरों से, नबियों से, जिन्नों फरिश्तों से और जनाब कायनात के किसी दरबार और कब्र से मदद तलब करने वाला अल्लाह फरमाते हैं कभी मेरी इमदाद का मुस्तहिक नहीं हो सकता। ये जो अल्लाह का दरवाजा छोड़कर गैरुल्लाह से इमदाद मांग रहा है, नस्तईनो या रसूल अल्लाह के नारे लगा रहा है, गैरुल्लाह से मदद मांग रहा है, गैरुल्लाह के दरवाजे तलाश कर रहा है, अल्लाह फरमाते हैं सारी जिंदगी इसकी खत्म हो जाएगी, जिंदगी तो इसकी खत्म हो जाएगी मगर कोई किसी की मदद करने वाला नहीं, कहीं से इमदाद मिलने वाली नहीं, क्योंकि मेरे कुरान ने बतला दिया है अगर मदद की जरूरत है इमदाद की जरूरत है तो उसके लिए हथियार इस्तेमाल करना पड़ेगा। कौन सा? हौसले वाला, अपने आप को हौसले के अंदर रखना है। हौसला यही है मियां, हर वक्त के अंदर, हर आन के अंदर, हर मरहले के अंदर, जिंदगी के हर मोड़ के अंदर अपना ताल्लुक और रबत अपने रब के साथ बना, अपने रब से अपना ताल्लुक कभी तोड़ना मत कोई ना, ताल्लुक अपने रब से मजबूत बना। तेरा अल्लाह से ताल्लुक मजबूत तब बनेगा जब अपने अपने आप को तू हौसले के अंदर रखे, सब्र के अंदर रखे, तहम्मुल मिजाजी के अंदर रखा रहे। इसलिए अल्लाह करीम फरमाते बहुत बड़ा बदबख्त इंसान है जो अल्लाह के दरवाजे को छोड़
छोड़कर गैर अल्लाह से इमदाद हासिल कर रहा है, हालांकि नमाज के अंदर तो कह रहा है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। नमाज के अंदर तो कह रहा है अल्लाह इबादत तेरी कर रहा हूं, मदद भी तुझसे मांग रहा हूं। अल्लाह फरमाते हैं यही कानून अपनी जिंदगी के अंदर रचा, जैसे नमाज में अल्लाह से वादा कर रहा है, नमाज से बाहर भी प्रैक्टिकल कर, तजर्बा कर, अल्लाह से मदद मांग के तो देख, देख मैं अल्लाह तेरी मदद करता हूं या नहीं करता। अगर अल्लाह करीम फरमाते हैं ये मेरा सच्चा कानून है कुरान पाक का, अगर इमदाद की जरूरत है तो मेरा यही एक हथियार है। कौन सा हथियार है? वस्तईनु बिसबर वसलात। अपने आप को हौसले के अंदर रखना है, अपने आप को सब्र के अंदर रखना है। अल्लाह फरमाते मैंने तो पैगंबर को भी हुक्म फरमा दिया है, इमामुल अंबिया को भी फरमा दिया है, ए मेरे पैगंबर जिस चीज की भी जरूरतें पड़ जाए जाओ सारा कुछ हो जाए मगर हौसला नहीं छोड़ना। अल्लाह पाक ने जो कानून बतला दिया है उस कानून पे अमल करते हुए फसबिर ले हुक्म रब्बे का। फसबिर लफ्ज वही आया है, सबर का माना मैंने बतलाया हौसला करना, अपने आप को तहम्बुल मिजाजी में रखना। बुर्दबारी बहुत बड़ी चीज होती है, इसलिए ये अल्लाह ने कानून बयान फरमाया इसलिए इस उम्मत के लिए कि ताकि मुसलमान को समझ आ जाए कि मैंने अल्लाह से मदद मांगनी कैसे है और अल्लाह ने मेरी इमदाद फरमानी कैसे है। तो रब ने हथियार यही बतलाया हौसला। हौसला इसका मेन पॉइंट यही है कि तू अपना हौसला अल्लाह की जात पर रख, ताल्लुक रब से कभी न तोड़ अपनी जिंदगी में, और सारे जहान से अपना रिश्ता खत्म कर लो, ताल्लुक मुनकते हो जाए, बिरादरी से, कुंबा कबीला से, पीरों से, नक्शीरों से, फलाने से, फलाने से, सारे जहान से ताल्लुक टूट जाए, मगर अल्लाह फरमाते मैं रब से कभी ताल्लुक न तोड़ना। इसी अंदाज में हौसला करके जिंदगी तू बसर कर, और जिंदगी के मोड़ के अंदर तुझे जरूरतें पड़ गई, जिस चीज की भी जरूरत पड़ गई तू ना भी मांग, मैं अल्लाह बिन मंगे तेरी झोलियां में अल्लाह भर दूंगा। लेकिन हौसला करके रहना। अल्लाह अल्लाह, इसलिए अल्लाह करीम ने हुक्म फरमा दिया अपने इमामुल अंबिया पैगंबर को फसबिर ले हुक्म रब्बे का। ए मेरे पाक पैगंबर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के हुक्म का इंतजार कीजिए, ला तस्ताजिल्लहुम, इन मुशरकों के हक के अंदर, इन काफरों के हक के अंदर जल्दी अजाब न मांगिए। जरा हौसला कीजिए मेरे पैगंबर, मैं अल्लाह ने अजाब आने का वक्त मुकरर किया है, मैं अल्लाह ने मुशरकों को काफरों को अजाब देने का वक्त मुकरर कर दिया है। लेकिन मेरे पाक पैगंबर ला तस्ताजिल्लहुम, आप जल्दी ना करें, आपका काम क्या है? फसबिर, अपने आप को हौसले के अंदर रखें, आपके दुश्मन भी मौजूद हैं, मुखालिफ भी हैं मेरे पैगंबर, मगर जो कुछ करते करते रह जाएं, आप हौसले से काम लें, अपने आप को सब्र के अंदर आप ढाल दें, आप हौसला करते जाएंगे मैं अल्लाह आपको तरक्की नसीब फरमाता जाऊंगा। इसलिए अल्लाह के रसूल को अल्लाह करीम ने फरमा दिया फसबिर ले हुक्म रब्बे का वला तकुन कसाहिबिल हूत। ए मेरे पैगंबर, उस अल्लाह के नबी की तरह जल्दी मत कीजिए, वो जो मछली वाला यार पैगंबर हजरत यूनुस अलैहि सलाम था, उस पैगंबर की तरह, उस अल्लाह के नबी की तरह मेरे पैगंबर बेहौसला हो के जल्दी मत कीजिए। ये अल्लाह ने कुरान में अपने पैगंबर को फरमाया है।
فَاسْبِرْ لَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ। उस मछली वाले यार पैगंबर की तरह हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की तरह जल्दी मत कीजिए। कैसे? हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम पैगंबर जिस वक्त अपनी कौम को खिताब करके फरमा रहे या कौम उबुदुल्लाह मालकुम मिन इलाहिन गैरुहु, ओ मेरी कौम तुम्हारा इलाह एक है, तुम्हारा माबूद एक है, मुश्किल कुशा एक है, तुम्हारे नफे नुकसान का मालिक एक है, तुम्हारी बिगड़ियां बनाने वाला एक है, तुम्हारे हाजत पूरे करने वाला एक है, तुम्हारी जरूरतें पूरी करने वाला एक है। जब एक खुदा है तो इबादत भी उसी एक खुदा की करो। उबुदुल्लाह मालकुम मिन इलाहिन गैरुहु, उसके अलावा कोई तुम्हारा मालूम नहीं, कोई तुम्हारा मुश्किल कुशा नहीं, कोई हाजत रवा नहीं, कोई नफे नुकसान का मालिक नहीं, कोई खोटियां किस्मतां खरी करने वाला नहीं, कोई आका और दाता नहीं है, कोई मौला और मुश्किल कुशा नहीं है, वही अकेला तुम्हारा खुदा है। जब इस किस्म की तबलीग फरमाई हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने, कौम ने आगे माना नहीं। कौम के सरदारों वडेरों ने कहा हम तेरी बात नहीं मानते। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ मांगी, अल्लाह ये तो मेरी बात नहीं मानते, मैं तुझसे दुआ कर रहा हूं इनका सत्यानाश फरमा, इनको अजाब दे के इनको खत्म फरमा दे। अल्लाह करीम ने फरमाया मेरे पैगंबर चलो ठीक है, आप दुआ मुझसे मांग रहे हैं, मैं अल्लाह अपने नबी की दुआ कभी रद्द नहीं फरमाता, आपकी दुआ तो हम कबूल फरमाते हैं। ऐसा करें आप अपनी कौम को कह दीजिए 3 दिन है तुम्हारे पास। कितने दिन है? 3 दिन है, यानी अल्लाह ने वार्निंग दी, फरमाया 3 दिन है तुम्हारे पास, कुछ नफा उठाना है तो उठा लो, 3 दिन के पास तुम्हारे पास अल्लाह का अजाब आ पहुंचेगा। जब 3 दिन पूरे हुए हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम पैगंबर अल्लाह के उलुल आजम पैगंबर थे, जलीलुल कदर पैगंबर थे, और अल्लाह को बड़ी मोहब्बत और प्यार था हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम पैगंबर के साथ भी। जब 3 दिन पूरे हो गए हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने देखा ये तो इंसान नहीं बन रहे, ये तो गुनाहों से भी बाज नहीं आ रहे, अल्लाह ने इनको वार्निंग भी दी है फिर भी ये लोग गुनाह करने से बाज नहीं आ रहे। ऐसा ना हो 3रे दिन अल्लाह का अजाब आ जाए और अजाब के अंदर कहीं मैं न रगड़ा जाऊं, मैं न अजाब के अंदर गिरफ्तार हो जाऊं। इसलिए अल्लाह की कसम रब का कुरान कहता है हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को गुस्सा आ गया। क्या आ गया? आखिर इंसान थे बतकाज़ाए बशरियत, इंसान जो थे, गुस्सा आ गया अपनी कौम के ऊपर। अल्लाह का कुरान कहता है वज़न्नूनी इज़्ज़ाबा मुगाज़िबा, गुस्से की हालत में गुस्से से भरे हुए हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम पैगंबर अपनी कौम को छोड़कर वहां इलाके से हिजरत करके चले गए, इस इरादे के साथ कि कहीं अल्लाह का अजाब ना आ जाए। आज तो 3रा दिन पूरा होने वाला है, कहीं अल्लाह का अजाब आ ना जाए और मैं यूनुस पैगंबर भी इनके अंदर ना रगड़ा जाऊं, दाखिल हो ना जाऊं। इसलिए अल्लाह के अजाब से बचने के लिए अल्लाह करीम से मशवरा नहीं किया, गुस्सा करके अपनी कौम के ऊपर अल्लाह से पूछा नहीं, अल्लाह अपनी कौम को छोड़कर चला जाऊं या ना जाऊं, या मैं क्या इंतजार करूं या ना करूं, अल्लाह से मशवरा नहीं किया। गुस्से की हालत के अंदर बेहौसला हो के हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम पैगंबर, मैं नहीं कह रहा अल्लाह का कुरान कहता है, अल्लाह फरमाते कौम को छोड़कर चले गए। जिस वक्त चलने लग गए अल्लाह फरमाते हैं मैं, अल्लाह करीम ने ऊपर से क्या फरमाया फजन
अल्लाह नकदर अलै, ये गुमान करने लग गए यूनुस अलैहिस्सलाम पैगंबर कि हम हरगिज उस पर तंगी नहीं डाल सकते या हरगिज हम उस पर तंगी डालने पर कादिर नहीं है, ये गुमान करने लग गए। अल्लाह करीम फरमाते हैं अपनी कौम को छोड़कर चले गए, जब चले गए तो मैं अल्लाह से मशवरा नहीं किया, बेहौसला होके सबर नहीं किया, इंतजार नहीं किया अल्लाह पाक का, इसलिए मैं अल्लाह को गुस्सा भी आ गया। मैं अल्लाह करीम ने थोड़ा सा सबक सिखाना था, इसलिए हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जिस वक्त चलते चलते दरिया बिल्कुल करीब था, बिल्कुल दूसरा खुश्की का सफर नहीं किया यूनुस अलैहिस्सलाम ने, जल्दी दौड़े दरिया की तरफ ताकि कश्ती में बैठकर दूसरे इलाके की तरफ चला जाऊं, यहां अल्लाह का अजाब आ जाए तो मैं तो दूर निकल जाऊं। अल्लाह करीम फरमाते जिस वक्त किनारे पर आ गए, कश्ती तैयार है, भरी हुई मौजूद है, सारे सवारियां मौजूद हैं कश्ती के अंदर, बस यूनुस अलैहिस्सलाम पैगंबर की देर है। अल्लाह करीम फरमाते हैं फसाहमा फकान मिनल मुदहजीर, भरी हुई कश्ती के अंदर यूनुस अलैहिस्सलाम बैठ गए। इस वक्त कश्ती चलने लग गई, चलते चलते कश्ती चलाने वाले मल्ला ने जिस वक्त कश्ती चलाना शुरू की है, कश्ती चलते चलते जिस वक्त पानी की गहराई के अंदर कश्ती पहुंची है, तो उस वक्त डबको डबको कश्ती पानी की गहराई के अंदर हिचकोले खाना शुरू हो गई है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। कश्ती के मल्लाह ने आवाज बुलंद करके कहा, ओ कश्ती के अंदर सवार होने वाले लोगों, जल्दी करो, अपने रब को याद करो, यहाँ रब ही है बचाने वाला और कोई बचाने वाला नहीं। पानी की समंदरों की मौजों के अंदर हमेशा कश्ती वाले जो होते हैं या बेड़ी चलाने वाले, उनका भी ईमान होता है कि यहाँ पानी की गहराइयों में बचाने वाला कौन है। इसलिए अल्लाह का कुरान कहता है, अल्लाह फरमाते मुशरकीन मक्का के बारे में, जिस वक्त वो दरियाओं के अंदर सवार होते, कश्तियों के अंदर सवार होते, उस वक्त क्या करते, दावुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। मुशरकीन मक्का जिस वक्त दरियाओं के अंदर कश्तियों में सवार होते, जिस वक्त समझते अब पानी आ गया गहराई वाला, कश्ती जो है वो हिचकोले खा रही है, अल्लाह फरमाते उस वक्त शिर्क नहीं करते थे, उस वक्त खालिस अल्लाह को आवाज मार के पुकारते, क्योंकि उनका अंदर कहता था यहां कोई बचाने वाला नहीं, लात मनात नहीं, उस्सा हुबुल नामी बुत नहीं है, यहां कोई बचाने वाला नहीं, तावुल्लाह मुखलिसीना लहुद्दीन। मालूम होता है शिर्क करने वाले इंसान का अंदर दिल गवाही देता है कि वाकई पुकार अल्लाह का हक है, गैरुल्लाह का हक नहीं है। अल्लाह को पुकारना अल्लाह का हक है, न नबियों का हक है, न वलियों का हक है, न कब्र वालों का हक है, न दरबार वालों का हक है, न किसी और का हक है। इसलिए हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम कश्ती के अंदर सवार है, अल्लाह करीम फरमाते हैं कश्ती के मल्ला ने कहा यार आज हम बचते नहीं है, कश्ती हिचकोले खा रही है, मालूम होता है कोई ऐसा बंदा हमारी कश्ती के अंदर मौजूद है जो अपने मालिक की इजाजत के बगैर दौड़ के जा रहा है, उसने अपने मालिक से पूछा कोई नहीं है, छुट्टी नहीं मांगी अपने मालिक से, इजाजत नहीं मांगी है, मशवरा नहीं किया है, कोई ना कोई बंदा ऐसा मौजूद है। जिस वक्त उन्होंने अल्लाह फरमाते फसाहमा कुरान अंदाजी की, पौने डाले गए, फकाना मिनल मुदहजीर, जिस वक्त उन्होंने कुर्रा डाला, नाम यूनुस अलैहिस्सलाम का निकला, तीन बार डाला नाम यूनुस अलैहिस्सलाम पैगंबर का निकला, कश्ती के मल्ला ने कहा जनाब हजरत जी जल्दी करें, आप जल्दी से छलांग लगाते हैं या फिर हम आपको उठा के दरिया के हवाले कर दें, क्योंकि आपकी वजह से बाकी सारी कश्ती वालों की जानें जाती है, जल्दी करें, हमने तो बड़ा इंसाफ किया है, आपका नाम निकल
निकला है, जल्दी से आप दरिया के हवाले हो जाए। उसी वक्त अल्लाह का कुरान कहता है, अल्लाह करीम फरमाते हैं, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जिस वक्त उन्होंने जान लिया कि वाकई मेरा कसूर है, मेरा जुर्म है कि मैंने अपने अल्लाह से मशवरा नहीं किया, वाहुवा मुलीम, अंदर दिल के अंदर मलामत करने लग गए अपने आप को कि वाकई अल्लाह पाक से मैंने पूछा नहीं था, बेहौसला होके मैं निकल पड़ा। मालूम होता है अल्लाह मुझे सजा देना चाहता है, वगरना कश्ती से छलांग लगाना दरिया के अंदर इसकी तो जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए अल्लाह फरमाते हैं वहुवा मुलीम, मैं अल्लाह करीम ने थोड़ी सी सजा देनी थी यूनुस अलैहिस्सलाम पैगंबर को, है तो मेरा महबूब पैगंबर, है तो मेरा उलुल आजम पैगंबर, मगर यह बात है मैं अल्लाह का कानून है, जो मेरे प्यारे होते हैं महबूब होते हैं मैं अल्लाह उनको सजाएं भी ज्यादा देता हूँ, उन पर आजमाइशें भी ज्यादा डालता हूँ, उन पर अल्लाह की तरफ से तकलीफें भी ज्यादा आती हैं। इसलिए अल्लाह करीम फरमाते हैं, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने इरादा फरमा लिया, चलो बाकी सारे जानों के ज़ाय होने से अच्छा है कि मैं अकेला दरिया के हवाले हो जाऊं। अल्लाह फरमाते हैं आने वाले हालात का नबी को भी इल्म कोई नहीं कि मेरे साथ क्या होने वाला है। अल्लाह फरमाते हैं उनको पता नहीं, वो तो समझ रहे हैं हो सकता है मैं छलांग लगाऊं और पानी के अंदर गर्क हो जाऊं, मगर अल्लाह फरमाते हैं नहीं नहीं मैं बिल्कुल छोड़ नहीं देता, मैं जिनका अपना साथ देता हूं उनको ऐसे छोड़ नहीं देता। बल्कि यूनुस अलैहिस्सलाम ने इरादा फरमाया, आगे महफूज करने वाला कौन है? अल्लाह करीम फरमाते हैं लौला अंतदारकौ निअमतुम मिर रब्बी लनुबिज़ा बिल अराय वहुवा मज़मूम। मैं अल्लाह करीम ने क्या फरमाया, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने या कश्ती से छलांग लगाने का इरादा फरमाया, अल्लाह फरमाते मैं पहले उस मछली के साथ मैंने कलाम करना शुरू फरमा दिया। मैं अल्लाह करीम ने बहुत बड़ी मछली को हुक्म फरमाया, फल तक मौलो हो तो वह अमलीम। मैं अल्लाह ने कहा वो जो मछली दरिया के तह के अंदर गुजर रही है, वहां हुक्म अल्लाह ने फरमाया मछली को, जल्दी कर ऊपर जा अपना मुंह खोलना, इल्तकमा फलतका माहौल हो तो अपना मुंह खोल के मेरा बरगुजीदा पैगंबर है, मेरा महबूब पैगंबर है, साफ पैगंबर है, अज़का पैगंबर है, यूनुस अलैहिस्सलाम पैगंबर है, ऐसा कर मुंह खोल के जितना मुंह खोल सकती है खोलना, मेरे यूनुस पैगंबर को अपने अंदर अमानत समझ के ले जा। फलता का मौल हो तो अल्लाह करीम फरमाते हैं मछली नहीं, बहुत बड़ी को मछली थी। फल तक मौलो तो मुंह उसने खोला, यूनुस अलैहिस्सलाम पैगंबर जो ही कश्ती से छलांग लगाई सीधा मछली के मुंह के अंदर, कोई पता नहीं कहां जा रहा हूं, मछली के मुंह के अंदर चले गए। अल्लाह ने मछली से खिताब करके फरमाया कि मेरे पैगंबर का अदब भी करना है और मेरे पैगंबर का ख्याल करना, तेरा एक कांटा मेरे पैगंबर के वजूद को लगे वगरना ये कैसे मुमकिन है कि खाने वाली चीज हो जिनके दांत और कांटे भी होते हैं, जब वो चबाने के लिए खाती हैं तो ज़रूर कोई ना कोई चीज़ लगती है, मगर ये अल्लाह ने हुक्म फरमाया था मछली को ख्याल करना, मेरे पैगंबर को एक कांटा भी ना लगे, उसको पता नहीं मेरे यूनुस अलैहिस्सलाम पैगंबर को, ये मुझे इल्म है कि मैं अल्लाह उसको थोड़ी सी मत दे रहा हूँ क्योंकि मेरे मशवरे और मेरे हुक्म बगैर अपनी कौम को छोड़ कर चले आए, मशवरा तो मुझसे लेना था, हुक्म तो मेरे इंतज़ार करना था मेरे हुक्म का, मगर मैं अल्लाह के हुक्म के बगैर कौम को छोड़कर चले आए हैं, इसलिए मैं अल्लाह ने थोड़ी सी इनको मत देनी है, सजा देनी थोड़ी सी, वगरना ये मेरी कागजों के अंदर कोई सजा नहीं है, इसलिए ख्याल करना इस यूनुस अलैहिस्सलाम पैगंबर के वजूद को थोड़ी सी भी ख्वाहिश ना आए।
अल्लाह अल्लाह। यूनुस अलैहिस्सलाम चले गए मछली के पेट के अंदर। अब कितनी अरसा रहे अल्लाह ही जानते हैं, कितनी अरसा रहे। किसी मौलवी को कोई इल्म बोलो, रिवायात के अंदर तो लिखा हुआ है 3 हफ्ते लिखे हुए हैं, 3 दिन भी लिखा हुआ है, 40 साल भी है, 41 साल, 42 साल, 43 साल तक भी लिखा हुआ है, लेकिन मुद्दत कौन जानता है? अल्लाह ही जानते हैं कितनी अरसा रहा है। लेकिन अब ख्याल करना, अल्लाह ने आगे क्या फरमाया, लौला अन्नहु काना मिनल मुसब्बिहीन। ए मेरा पैगंबर इमाम उलंबिया, मैं अल्लाह आपको बतला रहा हूं, अगर मेरे यूनुस अलैहिस्सलाम पैगंबर मछली के पेट के अंदर रह के मैं अल्लाह को ना आवाज मारते, मैं रब को ना याद करते, मैं रब की तस्बीहां ना करते, लाला बिसफी बतनी ही इला यौम युबासून, फिर हमेशा हमेशा के लिए मछली के पेट के अंदर रह जाते। सबसे बड़ा कमाल ये है कि मेरे यूनुस अलैहिस्सलाम पैगंबर मछली के पेट के अंदर चले गए, फिर भी अपने रब से ताल्लुक तोड़ा, अपने रब से राबता तोड़ा नहीं है, राबता फिर भी अल्लाह से रखा है। और अल्लाह से राबता रख के क्या किया, नादा फिज ज़ुलुमाती अल्ला इलाहा इल्ला अंत सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। अल्लाह करीम फरमाते हैं, ए मेरे इमाम उलंबिया पैगंबर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने आवाज मारी, मैं अल्लाह पाक को नादा फिज़ुलुमात, कई अंधेरे थे जहां अंधेरों से उन जुल्मतों से आवाज मेरे यूनुस अलैहिस्सलाम ने मारी, मगर उनकी आवाज को सुनने वाला कौन है, सुन के कबूल करने वाला कौन है। अल्लाह फरमाते हैं, एक जुल्मत नहीं, एक अंधेरा नहीं, कई अंधेरे थे, जुल्मात जमा का लफ्ज है, उलमा जानते हैं। अल्लाह फरमाते हैं, पानी की मौजों का अंधेरा, फिर मछली के पेट के अंधेरा, फिर मछली की झिल्ली का अंधेरा, रात का अंधेरा। अल्लाह फरमाते हैं, सारे अंधेरे इकट्ठे हो गए, मगर उन अंधेरों से आवाज मारी मेरे यूनुस अलैहिस्सलाम पैगंबर ने, मसला भी अल्लाह ने समझा दिया कुरान के जरिए। ओ दुनिया वालों, मैं अल्लाह हर किसी की आवाज सुनता हूँ, हर जगह से सुनता हूँ, हर वक्त के अंदर सुनता हूँ, ये मेरा कमाल है। मेरे अलावा कोई ऐसा नहीं जो हर वक्त के अंदर हर बंदे की आवाज को हर जगह से सुनने वाला हो, ये मेरा कमाल है। यूनुस अलैहिस्सलाम पैगंबर हैं तो मछली के पेट के अंदर, सारे अंधेरे मौजूद हैं, मगर वहां से पुकारना यूनुस पैगंबर का काम था, सुन के कबूल करना मैं अल्लाह का काम है। क्या कहने लग गए, कहने लगे अल्लाह अब तो मुझे इल्म हो गया है, वाकई मेरा कसूर है, मैंने तेरे हुक्म का इंतजार करना था, मैंने बेहौसला हो गया, हौसला मेरे अंदर नहीं रहा था, अल्लाह मुझे यकीन हो गया है, अब तो मुझे मेहरबानी फरमा के मछली के पेट से निकालने वाला बना दे। अल्लाह करीम ने फरमाया, मेरे पैगंबर मुझे शाम सुबह हर वक्त के अंदर मुझे आवाजें मारते रहे, कहने लगे ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। अल्लाह मिनज़्ज़ालिमीन, मेरा कसूर जाहिर हो गया है, मेरा जुर्म साबित हो गया अल्लाह, इस वजह से अब तू तदारुक ना फरमाए तो कोई मुझे या मछली के पेट से निकालने वाला नहीं। अल्लाह फरमाते, मैं रब ने तदारुक फरमा दिया, लौला अंतदारकहु नेमतुम मिर रब्बी लनुबिज़ बिल अराई वहुवा मज़मूम। अल्लाह फरमाते, मैं अल्लाह ने फरमाया, ओ मछली जल्दी कर, मेरी अमानत वापस कर। अल्लाह ने मछली को हुक्म फरमा दिया, यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को पुकारा, उनकी आवाज को सुन के अल्लाह ने कबूल फरमाया के कोई ना। अल्लाह का कुरान कहता है, फस्तजबना लहू वनज्जैनाहु मिनल गम वकज़ालिका नुर
للمؤمنين میں اللہ نے جی جی کر کے ان کی آواز کو قبول فرما دیا میں اللہ نے فرمایا جی جی اب مچھلی کے پیٹ کے اندر تجھے ڈالنے والا بھی میں اللہ پھر نکالنے والا بھی میں اللہ پاک ہوں مسئلہ بھی اللہ نے سمجھایا اور مصیبت کے اندر ڈالنے والا بھی اللہ پھر مصیبتوں سے نکالنے والا بھی اللہ پاک ہے یمسسک اللہ بضر فلا کاشف له الا هو اللہ فرماتے ہیں تیری مصیبتوں کو کوئی ہٹانے والا نہیں نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی ولی ہے نہ کوئی پیر فقیر ہے نہ کوئی جن فرشتہ تیری مصیبتوں کو ہٹا سکتا ہے نہ کوئی تعویذ لکھنے والا ملا ہٹا سکتا ہے نہ کوئی اور ہٹا سکتا ہے کوئی ہٹانے والا نہیں فلا کاشف له الا هو وہی ہٹانے والا ہے جو دینے والا ہے اس لیے اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر میں اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرما کے جی جی کر کے قبول فرما دیا اور میرا قانون یہی ہے کہ جو بھی مومن بندہ جو بھی ایماندار بندہ میں اللہ سے مانگے تو میں اللہ اس کی بھی دعا قبول کر لیتا ہوں میرا دروازہ تو ہر وقت کھلا ہوا ہے میرے دروازے کو تالا لگتا نہیں تالا لگتا نہیں جس وقت تو نے آواز مارنا ہے مار رات کو دن کو شام کو دن کے وقت بر کے اندر بار کے اندر سمندروں کے اندر دریاؤں کے اندر آواز تو مار میں اللہ تجھے کہہ رہا ہوں میرا دروازہ کھلا ہوا ہے اس وقت میں وہ ذات ہوں یسأل من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شان فبأی اعلیٰ ربکما تکذبان ہر وقت میں اللہ کی نئی شان ہوتی ہے مجھ سے مانگنے والا سارا جہان ہے میں اللہ عطا کرنے والا ہوں اس لیے یونس علیہ السلام پیغمبر نے مچھلی کے پیٹ کے اندر رہ کے بھی کون سی ذات سے مانگا ہے اللہ فرماتے میں نے دعا قبول فرما کے مچھلی کو حکم فرمایا کہ جلدی کر میری امانت واپس کر جس وقت مچھلی نے بیر نکالا اللہ فرماتے وہو مضموم پھر یونس علیہ السلام پیغمبر بالکل کمزور تھے بالکل کمزور کیونکہ مچھلی کے اندر گرماہٹ ہوتی ہے شدت ہوتی ہے گرماہٹ کی چربی تو ساری ان کی پگھل گئی ہڈیوں کی باقی صرف ایک کبزہ بچا ہوا تھا یونس علیہ السلام اللہ نے وہاں کسی فرشتے کو قریب نہیں آنے دیا جس وقت زمین باہر آئے نا مچھلی کے پیٹ سے باہر اللہ فرماتے ہیں وہاں کیا کیا ہم نے انبتنا علیہ شجرۃ من یقطین چونکہ بیمار جو بندہ ہوتا ہے اس کو ضرورت ہوتی ہے نرم لقمے اور نرم کھانوں کی اور دوسری یہ ضرورت ہوتی ہے کمزور جسم والے کے جسم پر مکھیاں زیادہ بیٹھنے لگ جائیں تو اس سے بھی جراثیم زیادہ پھیلتا ہے تو اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کی حفاظتیں اس فرمائی کہ وہاں پر اللہ نے کدو کی بیل وہاں لگا کے اور ایک آن کے اندر اس کو بڑا فرما کے اوپر جس طرح ایک کمرہ ہوتا ہے کمرہ نما بنا کے یونس علیہ السلام پیغمبر کو اندر اللہ نے بٹھا دیا خود اللہ پاک نے اپنی کن فیکون کی قدرت سے اس کدو کے جو ہوتے ہیں تر و تازہ کدو بالکل نرم غذا ہوتی ہے وہ اللہ نے اپنی قدرت کے ذریعے پکا کے یونس علیہ السلام پیغمبر کو خود اللہ نے کھلوایا یہ اللہ کی قدرت ہے کہ نہیں ہے اس سے معلوم ہوتا ہے اللہ کو محبت بھی بڑی تھی حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ پیار بھی بڑا تھا کہ وہاں فرشتے کو بھی قریب نہیں آنے دیا خود اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے انبتنا علی شجرت من یقطین جس وقت حضرت یونس علیہ السلام کو علم ہو گیا کہ واقعی سارا کامیابی تو حوصلے کے اندر تھی میں نے اللہ سے مشورہ نہیں کیا تھا اجازت نہیں مانگی تھی بے حوصلہ اور غصہ ہو کے
के अपनी कौम को छोड़ आया। अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब पैगम्बर यूनुस अलैहि सलाम, पैगम्बर आप ऐसा करें, आप सेहतमंद हो चुके हैं, ठीक ठाक हो गए हैं, अब मेरी रजा भी पूरी हो गई है। जो कौम को आप छोड़कर आए थे वो अब इंसान बन चुके हैं, अब वो तौबा तैयब हो चुके हैं, अब उनके अंदर हौसला आ चुका है, सब्र आ चुका है उनके अंदर, उन्होंने मेरे अजाब को देख के उन्होंने फौरन तौबा कर ली। मेरा कानून तो नहीं है कि मैं अजाब के वक्त किसी की तौबा कबूल करूं। बस तू यूनुस अलैहि सलाम पैगंबर ऐसा पैगंबर है कि तेरी कौम की तौबा मैं अल्लाह ने अजाब के वक्त कबूल फरमा ली। अब ऐसा कर, अरसलनाहु इला मियतिन अल्फिन औ यज़ीदून, जा उनके पास जाके उनको फिर जाके मैं रब की तौहीद सुना। अब वो मुवहिद बन चुके हैं। मसला अल्लाह ने यह समझाया, टाइम काफ़ी हो गया है। कुरान मुकद्दस के जरिए बात यहाँ से शुरू की है, वस्तईनु बिसब्र वस्सला, हौसला इंसान ने नहीं छोड़ना। रब ने वादा फरमाया है, इमामुल अंबिया को भी रब ने फरमाया अपने आप को हौसला और तहम्मुल के अंदर रखो। सबर का सबसे मेन माना यही होता है कि अपने आप के अंदर हौसला पैदा हो। हौसला मोमिन करे, इमदाद खुद अल्लाह फरमाएंगे। रब ने फरमाया ही दिया है वस्ताइनो, तुम्हें इमदाद की जरूरत है, मदद की जरूरत है। मदद के लिए एक ही हथियार है, कौन सा? बिसबर वसला, ये हौसला करो, हौसले के साथ जिंदगी तुम गुजारो। जिस इमदाद की भी जरूरत पड़ गई, तुम ना भी मांगोगे तो मैं अल्लाह बिन मांगे तुम्हारी इमदाद फरमा दूंगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।